तो व्हाट्सएप गेमर्स का सबसे पहले मेरा नाम रेंजर, आप देख रहे हैं RBS गेमिंग 3624। तो गाइस आज हम खेलने वाले वन ब्लॉक सीरीज का पार्ट वन। तो गाइस वन ब्लॉक सीरीज काफ़ी बेस्ट है, तो अभी देखते हैं गाइस हम जाके। तो ये गाइस मैं हूँ कौन स्पॉन अपने वन ब्लॉक पे, तो चलो गाइस इसको माइन करना चालू करते हैं। तो गाइस इसको माइन करते हैं, और गाइस अभी तो ग्रास ही निकल रहा है। ओ गाइस जस्ट निकला। इसमें गाइस 5 एप्पल्स और एक बुक है, ये ओरिजिनल बुक तो लिखी है इस पर। चलो पहले इस चेस्ट को माइन कर लेते हैं और अब इस बुक को पढ़ेंगे। गाइस यहाँ पे आ चुका है प्लेन अंडरग्राउंड डीप की सो बाना सब है, जितने बायोम्स माइन कर में एग्जिस्ट करते हैं। तो चलो यहाँ सबसे पहले बुक पढ़ लेते हैं, और पढ़ लिया तो सबसे पहले काम करते हैं अपनी जगह को थोड़ा फेंक देते हैं, क्योंकि बुक किसी काम की थी नहीं। आई होप कि इस यूट्यूबर को बुरा नहीं लगेगा। तो जगह को थोड़ा एक्सपेंड कर देते ताकि अगर जानवर आए तो वो नीचे ना गिरे, और ख़ास करके शीप, क्योंकि मुझे रात को सोना बहुत पसंद है बेड पे। कमिनो, तो चलो यहाँ से भी एक ब्लॉक की दूरी कंप्लीट कर देते हैं। अब मैं होप कर रहा हूँ कि ये ग्रास फैले ना, तो मैं तो ढूंढता ही रह जाऊँगा। तो चलो इसको माइंड करना चालू करते हैं, और यहाँ पर कुछ हुआ तो, और कुछ तो हुआ शायद मेरे ब्लॉक्स पर गए होंगे। तो यहाँ पे साइड में कुछ आया, हेलो ओनली फ्रेंड्स मैं मॉडिफाइंग एश, और यहाँ पे ही बेल, और यहाँ पे डुक्कर आ गया। वैसे ये तो गीदड़ भाई हैं, तो इसे साइड करते हैं। वैसे गीदड़ भाई तो हमारे नॉर्मल वाले सर्वाइवल वर्ल्ड में होते हैं। और तुम्हें बता दूँ कि मैं मर चुका हूँ एक्चुअली, मैं ब्लॉक माइन करते करते वर्ल्ड में गिर गया, क्योंकि इस गेम के ग्राफिक्स ने गद्दारी कर दी मेरे साथ। और गाइस ये देखो फिर से मेरे साथ ग्लिच हो गया, शायद गेम के डेवलपर नहीं जाते कि मैं थोड़ा दुखी रहूं, क्योंकि यहाँ ब्लॉक्स अपने आप ही माइन हो रहे हैं। और चलो इसको दखल लाजी नहीं देते हैं, और ये पता नहीं कौन सी औलाद आ गई किसकी। हट, पहले इससे हटाओ, और यहाँ पे पम्पकिन, फिर ग्रास, फिर वुड, और शायद मैं वुड से कुछ क्राफ्ट कर सकता हूँ। हाँ मैं इससे क्राफ्ट करूँगा, पहले इस प्लैंक्स बनाऊँगा, फिर इससे क्रिएट करूँगा फिर से प्लैंक्स, फिर इससे क्रिएट करूँगा फिर से प्लैंक्स, और यहाँ पे एक चेस्ट जिसमें हैं करीब 5 टॉर्चेस और एक मशरूम काओ, जिसका हमें कोई भी काम नहीं पड़ने वाला वीडियो में तो बिल्कुल भी नहीं। तो एक टॉर्च लगाते हैं, और यहाँ तो माइनिंग, और यहाँ फिर से डुक्कर भाई, पर इन्हें ब्रीड नहीं करवा सकती क्योंकि मेरे पास कोई समझ नहीं है, और शायद गलती से मैंने टैप कर दिया। तो मेरी एक सेकेंड, डुक्कर भाई का भाई और मशरूम का गिर चुकी हैं। तो चलो सिंपली हम माइंड करना चालू करते हैं, क्योंकि अब हमें हाथ से माइंड करना पड़ेगा। तो अभी जगह को थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा डर चुका हूँ कि मेरे सारे एनिमल्स गिर गए, तो अगर शीप गिरी तो कलेश हो जाएगा, और मैं हे माता जी नहीं करना जानता, और शायद फिर से गिर के ना मर जाऊँ मैं। एक सेकेंड, क्या वो ब्लॉक उस मुर्गी ने उठा लिया, और यार फिर से एक ब्लॉक रहा हूँ मुझे। मेरे माउस और कीबोर्ड को हुआ क्या यार? हाँ तुमने सही समझा, मैं फोन में माउस और कीबोर्ड लगा के खेलता हूँ, उसकी कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, वो हो जाता है, अगर तुम जो कोशिश करो तो कभी नहीं होगा, श्राप है मेरा। और ये मेरा एक और डेड ब्लॉक वेस्ट गया। तो चलो यहाँ पहले चेस्ट रख लेते हैं, ताकि मैं फिर से बोलूँ तो मेरा सामान ना गायब हो। तो सबसे पहले चलो इसमें अपना सामान रखने चाह रहे रखते हैं, वुड प्लैंक्स तो रख लेते हैं, और मेरे पास कुछ सीड्स हैं पेड़ की, तो सबसे पहले इन्हें प्लेस कर देते हैं यहीं कहीं। तो और ये डुक्कर भाई काम के बीच में बार बार आ रहे हैं, कहीं मेरे हाथों इनका अपहरण ना हो जाए। और गाइस मैंने अपने सारे क्राफ्टिंग कर ली है, और यहाँ पर एक गाय भी आ चुकी है, जिसका दूध निकाल के मीट दूध निकाल के पियेंगे, सेंडेस कभी कभी गलत हो जाता है। और यहाँ पे सारे ब्लॉक्स को माइन करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, और मैंने करीब 106 ब्लॉक्स माइन कर दिए हैं, पर अभी तक मेरा स्टोन एज चालू नहीं हुआ है, शायद 200 ब्लॉक पे होगा। और यहाँ पे ब्लॉक माइन करते करते साला मेरा हाथ ही दर्द होने लगा, तो कभी वुड तो कभी प्लैंक्स आ रहे हैं, तो मैं पागल ना हो जाऊँ इस चक्कर में। अब फिर से रकून का भाई आ गया, हट, और लो कर लिया पैर का, और इसे भी, मैं तो डर ही गया था कि कहीं मेरे वन ब्लॉक की सीरीज यहीं तो दम नहीं तोड़ेगी। और चलो यहाँ से सीधा फिर से लकड़ी, नहीं इसे तो मैं इसे सवल से ही तोड़ूंगा। चेस्ट आई है, देखते इसमें, ओ इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सामान है, इसे शांति से अपने चेस्ट में रख देते हैं, क्योंकि ये हमारी आर्मर ड्रेनिंग में काम आएगा। और इसमें बाकी जो सामान है वो भी काफ़ी कीमती है गाइस, जिसका एक ही काम है,
और वाइड में फेंकने का काम थोड़ा ज़्यादा ही रिस्की था, तो इसलिए मैंने क्राउच कर रखा था। और सारा सामान फेंकने के बाद मैं वापस आ गया अपनी मजदूरी के काम पे। पर यहाँ एक चिकन भाई थे, तो उन्हें मार के मैं उनका मीट खाने वाला था। मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ। पर डुक्कर भाई बड़ी उम्मीद से देख रहे थे, पर वो हमारे साथ सुबह से थे तो हम इन्हें नहीं मारेंगे। और मैंने इस प्लांट को थोड़ा सोच रहा हूँ, मैं यहाँ डबल चेस्ट करने वाला हूँ ताकि ज़्यादा सामान जाए। डुक्कर भाई चिंता मत करो, आपकी लाश भी कुछ देर में खोदी जाएगी। और यहाँ पे एक ब्लॉक तोड़ने के बाद थोड़ा अजीब हो गया। फिर मैंने माउस में अपनी बकचोदी करनी चालू कर दी। इससे पहले कि मेरा दिमाग अपने सिस्टम से पार पार हो जाता, मैं अभी चेस्ट वर्ड में फिर से गिर जाता। और फिर मुझे दिख गई शीप। और अपनी जाने मन को गिरने ना देना चाहता था मैं, इसलिए मैंने सारे एरिया को अब डबल करने का सोचा। इसलिए मैंने सारा एरिया डबल करना चालू कर दिया। साला माउस भी बहुत गंदा घूम रहा है मेरा, देख लो क्या ही नशे हो रखे इंटरनेट बाबा निकल के। कभी कभी तो सोचता हूँ कि क्या ही 5G मोबाइल का फ़ायदा है कि जब नेट ही ना चले। अब मुझे डर फिर से बख्शू दी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि फेंक देना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। और डैम खुल गया, तो इससे अपने 20 ब्लॉक्स बना लेते हैं। और चलो सारे समय फिर से कम्प्लीटली अपना सर वेट सकें। हाँ तुम सही समझ, मैं फिर से वर्ल्ड में गिर गया। क्योंकि उस टाइम की वीडियो मैंने सोची थी थोड़ी बड़ी करने की, और मैं भाई के बेस में दोबारा लौट गया। शायद जब तक तुम अपने बेड ना बना लेते तुम यहीं स्पॉन हो गए। और मेरा सारा सामान वर्ल्ड में गिर चुका है, तो मैं एक बहुत एपिक काम करने वाला हूँ, कीप इन्वेंट्री। तुम सोच रहे हो कि ये बंदा खेलता है कि बच्चों ही करता है, पर मैं सच बताता था, आई एम अ रियल प्रो प्लेयर। बस मरने में थोड़ा ज़्यादा ही प्रो हो गया हूँ। तब मैं 4 वुड प्लंक्स लेते हैं और इससे कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो इससे एक मैंने ये बनाई, और मैंने बना ली एक शवल। और बस शवल ही बना सकते गाइस, क्योंकि शवल के अलावा कुछ बनेगा भी नहीं। एक सेकंड, शवल क्यों बनाई मैंने? मिट्टी शवल से खोदेंगे हम। और एक भैं करती हुई भैंस आ गई। हट अक्षय कुमार की औलाद। वैसे अक्षय भाई अगर वीडियो देख रहे हैं तो बुरा मत मानिएगा। तो चलो इसे वापस से खोदना चालू करते हैं। और एक घंटा तक खोदते खोदते मेरा हाथ ना दुख जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो ग्लिच दोबारा हो जाए। और खोदते खोदते ये क्या आ गया, मुझे किसी गाय की जरूरत नहीं है अभी, और रेड फॉरेस्ट वाली तो बिल्कुल भी नहीं। पर मेरी जाने मन को देखते बहुत अच्छा लग रहा है, और ये ऐसी खड़ी है मुझे पसंद नहीं, तो कहीं बैठ जा बेटा नहीं तो बहुत मारूंगा। अब मैं इसे इसलिए बचा रहा था कि मैं इसके बच्चे मैं इसकी वुल निकाल के अपने लिए बेड बना सकूं और अंततः इसे खा भी जाऊं। तो यहाँ पे थोड़ा एरिया छूटा हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम इसे दोबारा फिल कर देंगे। ये एक वुड की शॉल है जिसके इसका काम काफ़ी ब्लो है। तो यहाँ पे फिर से रुक कर भाई स्पॉन हो गए, क्योंकि ये पिछली बार मर गए थे। पर मुझे लगा ये कोई भूत प्रेत है, इसलिए मैंने भगाने के लिए इन्हें मारा। और जो जगह बच गई थी मैंने वहाँ एक सैपलिंग गाड़ दी, क्योंकि भूत प्रेत से मुझे फटता नहीं है, बस डर लगता है। और चलो अपने चीज़ों को कुछ अपग्रेड करते, क्योंकि मेरे पास ना अभी शॉर्ट है ना कुछ फलाने का, ऐसा कुछ नहीं। और अभी तक मेरी शिप बची हुई थी, क्योंकि ये ज़मीन पर नहीं गिरी थी। और ऐसे वीडियोस आते रहेंगे गाइस, बस तुम लाइक सब्सक्राइब ठोकते रहना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तुम्हें लाइक करने में एक सेकंड भी नहीं लगता। और ये देखो बात कहीं नहीं कि ब्लॉगिंग ग्लिच वापस आ गया, जिसकी वजह से जब मैं अपने हाथ में जो भी चीज़ लूँगा वो उसी की स्पीड से ब्लॉक करेगी। तो मैंने बिना कुछ किए अपना सारा सामान ठोकना चालू कर दिया, और देखते देखते सारा सामान क्राफ्ट होना चालू हो गया। और अचानक से कुछ उम्मीद हुई, और अचानक से आ गई इतने सारे पेड़ जितने मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। और आते गए सक्सर आते गए, और मुझे यहाँ मिले कम से कम एक आयरन बकेट का पानी, और इतने सारे जानवर स्पॉन होने लगे कि मैं पागल हो जाता। इसलिए मैंने सारी चीज़ें रख दी वापस, और ये वुड आ गया मेरा घर बनाने में काम। और यहाँ मुझे एक वाटर बकेट मिला जिससे मैं कॉबल स्टोन जनरेटर बनाऊँगा। और यहाँ पे कॉबल स्टोन अपने पास ही रखते गाइस, क्योंकि अभी मैं इसे क्राफ्ट करने वाला हूँ। इसे ये अभी कॉबल स्टोन नहीं है, ये अभी कुछ और ही है जिससे हम कुछ बना तो नहीं सकते। तो सिंपली हम यहाँ पे अपने वुड का थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं और इसे प्लैक्स में भी चेंज कर देते हैं, और इससे क्रिएट करेंगे हम स्टिक्स। पैम पैम, 8 स्टिक्स कंप्लीट हुए गाइस।
और अब मैं इससे बनाऊंगा एक पिकैक्स। जानवर की तादाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है गाइस, जिससे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। और अब मैं इस चीज़ को डिग करते हुए ऊपर जाऊंगा, पर पता नहीं शायद मेरे ब्लॉकिंग ग्लिच बंद क्यों हो गया, शायद मेरे ब्लॉक प्लेस करने की वजह से। पर कोई बात नहीं, मैं उसे दोबारा माइन करूँगा और इससे मुझे मिल जाएगा कॉबलस्टोन, जिससे कॉबलस्टोन से मैं अपने टूल्स को अपग्रेड करके स्टोनेज में पहुंच जाऊंगा। देखा मेरा बिग ब्रेन, ताले तो कर दो यार कम से कम मेरे लिए। तो चलो सबसे पहले अब इस कॉबलस्टोन को अब बना लेते हैं अपने पिकैक्स के रूप में। कॉबलस्टोन पिकैक्स, कॉबलस्टोन सॉर्ड और कॉबलस्टोन एक्स। एक्स गंदू समझ समझना कमी हूँ, थोड़ी नजरें बड़ी गंदी हैं। इम्पॉर्टेंट सामान मतलब वाटर बकेट रख देते, क्योंकि अगर ये गई तो मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ चली जाएंगी। मेरे पास 10 कॉबल स्टोन है जिससे मैं चीज़ें तो बना ही पाऊँगा। और एक काम करते हैं, अपने लिए काफ़ी सारी चीज़ स्टिक्स बना लेते हैं, क्योंकि अब मूड का काम तो बचा नहीं हमारे पास। तो स्टिक्स कम्प्लीट हो गए गाइस। एक्स सॉल्ड शवल और बस कम्प्लीटेड। और अब देखते हैं हम इससे क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को बदल लेते हैं और फिर हम यहाँ पे अपनी शार्पलिंग को ग्रो करने के लिए रख देते हैं। पता नहीं कितने साल में होगी। और यार देखते देखते डुक्करों का पूरा खानदान आ चुका है, तो सिंपल ही हम इन डुक्करों को मार देंगे, क्योंकि हमारे पहले डुक्कर भाई जिंदा नहीं रहे। पहले इन्हें ब्रीड कराने की कोशिश करते गाइस, क्या ये केक खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो मत खाफ कमीनो, ये चेस क्यों नहीं खुलती यार? कभी मैं इसके ऊपर खड़ा होता तो खुल जाती है, कभी नहीं वो खुलती है। तो मेरे पास अभी एक एक्स्ट्रा चेस्ट बटी हुई है, पर मेरे पास बोन मिले तो मैं एक सैपलिंग को ग्रो करूँगा। और ये वाली सैपलिंग है और ये ग्रो हो गई गाइस, पर इसमें बस एक ही सैपलिंग डल पाई, जिसे ग्रो किया ये तो कुछ भी नहीं हुई। तो मैं इसे माइंड कर लेता ताकि मेरी बची वुड्स की ट्रेंडिंग कम्प्लीट हो जाए। हैशटैग अलूर्जन। वैसे ये किसी के स्पॉन्सर नहीं है, तो मैंने यहाँ सिंपली खोदना चालू कर दिया, जिससे मुझे कॉस्टिक मिली और फिर से ग्लिच चालू हो गया। ये पर फिर मुझे ध्यान आया कि जब तक मैं पिकेक्स पकड़ के रखूँगा तब तक ये चीज़ माइन होती रहेगी उस स्पीड से जिस चीज़ को मैंने पकड़ रखा है, जिससे मुझे एक चीज़ की हेल्प मिल गई। और देखते देखते सारा का सारा माइंस कम्प्लीट होने लगा और मेरे पास अब 2 शीप हो चुकी हैं। तो अब टाइम है इन्हें ब्रीड कराने का, जिससे इनकी औलादें इनका नाम रोशन करेंगी मेरे हाथों मरकर। और अभी इसकी औलाद सीधा वर्ल्ड में गिरती, तो चलो इसे फीड कराना चालू करते हैं। तो एक चिकन भी स्पॉन हो गई गाइस, और इतनी देर में गाय भी आ गई, पर गलती से मैंने इस गाय को शीट करा दिया और फिर से अच्छे कुमार की औलाद आ गई। तो मैंने सोचा इसे मार दूँ, पर टाइम वेस्ट हो रहा था और मैं इतनी देर में पागल हो जाता, इसलिए सारा सामान लूटना कोशिश करने मैंने ज़्यादा प्रेफर किया। और इतनी देर में फिर से कुछ ना कुछ जानवर स्पॉन होते ही रहे, तो मेरा आइलैंड अब एक जू बन गया था। तो मैंने अब इनका सफाया करने का सोचा, तो मेरी स्पिट की सबसे पहली बकरा बनी कोई नहीं। अभी मैं किसी को नहीं मार सकता गाइस, क्योंकि मेरा एरिया भी बहुत छोटा है। तो अगर मैंने मारा और वो गिरा नहीं, तो मेरे पास अभी गोल्डन एप्पल कैरेट है, तो देखता हूँ डुक्कर फैमिली कैसे ब्रीड आएगी। नहीं आएगी गाइस, डुक्कर बड़े नखड़ी होते हैं, ये तो कैरेट ही खाते हैं। अफसोस अगर मैं इस रिकॉर्डिंग के टाइम अपने स्टोरेज में पड़ा हुआ कैरेट देख लेता तो मेरे पास डुक्कर का खाना होता। माफ करना, राइट डुक्कर लिख दो यार। और देखते ही देखते सारा सामान मैंने क्राफ्ट कर लिया है, जुकाम हो गया गाइस। तो चलो अब फिर से ब्रीड करते हैं और इनके भाई बहन लाते हैं, ताकि मेरे पास एक बैकअप प्लान हो। और तू मर कमीने, और इसी के चक्कर में डुक्कर भाई भी शहीद हो गए, तो मैंने उनके पूरे खानदान को ही उड़ा दिया। तो डुक्कर भाई के एक परिवार को छोड़ना असंभव नहीं था, तो मैंने इन्हें वाइड नहीं फेंक दिया। तो फिर मुझे याद आया कि अगर मैं इनको ग्रो करने की कोशिश करूं, पर ये गाय मेरा दिमाग का दही कर रही थी। और फिर मेरे पास 3 भेड़ें हो गई, तो चलो अब इनका कल्याण करना चालू करते हैं। और उसी के चक्कर में मैंने गाय भी मार दी, पर डर था कि वाइड में ना गिर जाए, पर गाय बची हुई थी तो मैंने एक और को ठोकना चालू कर दिया, जिसकी वजह से वो भी मरी और मेरे पास 2 वूल हो गए।
और गाय भी ख़त्म हो गई। तो वो बार बार भाग रही थी, इसकी वजह से मैं इसे सीट का लालच दे के मार रहा था। और अभी एक बची हुई थी तो इसे रहने देते हैं गाइस, और अपने बेड का इंतज़ाम करते हैं। और फिर मैं यहाँ से वुड क्राफ्ट करता हूँ। ये मेरे कंप्यूटर को हुआ क्या है, वैसे ये फ़ोन है तो कंप्यूटर वाली बात भी मत करो, इतनी लैगिंग करता है कि दिमाग का दही हो जाता है। पर जो सपाट बगल में ये मेरा बेड, और यहाँ स्पॉन हो गया मेरा स्पॉन सेट। अब मैं भाई के बगल में बार बार नहीं जाऊँगा। और इतनी देर में रात हो गई गाइस, पता बड़ी जल्दी दिन बीत रहे हैं यार। वैसे अब फिर से मैं ब्लॉगिंग चालू कर रहा हूँ, पर ग्लिच काम नहीं कर रहा। तो इसके बाद कभी वुड तो कभी प्लैंक्स आते रहे और मेरा दिमाग का दही होता रहा। इसलिए मैं बार बार निर्माण करता रहा शवल से बेवकूफ़ी वाली हरकतें। और ये मैं कुछ नहीं जानता गाइस, गलती से हो गया। और अब मेरी आइलैंड पे जानवर का नामो निशान भी नहीं है, तू भी मर कमीन है। और इन्हें काटना चालू कर दिया, कभी डट आती तो कभी शवल, और कभी शवल का काम होता तो कभी कभी बूढ़ी आ जाती, जिसके वजह से दिमाग का दही होने लगा। और डुक्कर भाई पूर्ण जन्म लेके हमारे पास दोबारा आ गए। तो डुक्कर भाई के लिए लिख दो जय जय बाबा जी की, क्योंकि ये साला पता नहीं कौन सा काला जादू सीख गया है, जब मारता हूँ तब वापस आ जाता है। पर कोई बात नहीं, हम बार बार चीज़ें करना बंद नहीं करेंगे, जिससे फिर से डुक्कर भाई की फैमिली आ गई। और मेरे पास एक चेस्ट है जिसमें ठीक ठाक सामान था, तो मैंने चेस्ट ही उड़ा ली, तो जिससे मेरे पास अब काफ़ी सारा सामान हो गया। तो मैंने दो चेस्टें बना रखी हैं, और अब दो चेस्टें और लगा कि मैं यहाँ पे पहले तीन चेस्ट को ब्लॉक कर देता हूँ, जिससे अब मेरे पास सामान की स्टोरेज के लिए काफ़ी टाइम हो जाएगा। और अभी मुझे घर बना के फिर से सामान का स्टोरेज कंप्लीट करना है, मतलब सामान का अदला बदली एक का डबल करने में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। अब मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ गई थी, जिसके बाद मुझे दिखा एक अननोन मैसेज मेरे फ़ोन पे। पर मैंने कहा आज मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं बनाऊं कि मेरे पास मैसेज आएंगे यूट्यूब की तरफ से। वहाँ स्टार्टिंग में दो बार आए थे, पर मेरे पास बात थी छोटी सी, जोक सपाट बगल में रखते गाइस। मेरे पास दो सैपलिंग्स आ गई, जिनमें से एक तो मैंने क्राफ्टिंग टेबल के पास ही क्राफ्ट कर दी और दो को लगा दिया। और फिर से अपनी मजदूरी में जुट गया, और मजदूरी करते 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 रात हो गई। अब मुझे ध्यान ही नहीं पड़ा कि रात हो गई है, क्योंकि फिर से चिकन भाई स्पॉन हो गए। ये सारा कौन से काला जादू सीखते हैं कि बार बार आते हैं। और अचानक से बेड रॉक आ गया और लिखा था अपग्रेड, और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और बस अपग्रेड हो गया मैं अंडरग्राउंड एरिया में। देखो मेरे पास भी ज़्यादा जादू टोने का टाइम है, तो अब मेरे पास स्टोन के टाइम स्टोन, और मुझे पहली बार में आयरन मिल गया एक। उसके बाद मैं माइनिंग करता रहा, फिर कोल मिला, और डुक्कर दिमाग का दही कर रहे थे, तो डुक्करों को भी उनकी औकात दिखा दी। लास्ट बार कह रहा हूँ या मजाक कर रहा हूँ। और फिर एक अच्छी सी नैप लेके सो गया, गुड मॉर्निंग गाइस। और फिर उठ के मैंने माइनिंग दोबारा चालू कर दी, जिसके बाद मुझे दो आयरन, दो कोल और फिर बाकी का फालतू का सामान ही मिला। फिर मुझे वुड प्लैंक मिल गया, जिससे मुझे लगा कि ये अंडरग्राउंड एरिया है, जिसकी वजह से माइनशाफ्ट भी हाथ में आ जा रही थी। और डुक्कर भाई बार बार जन्म लेके वापस आ रहे थे, और मेरे पास काफ़ी सारा आयरन हो गया करीब पाँच। तो मैंने अपने हाथ चेस्ट, मैंने पिकैक्स और एक्स को बगल में रख लिया, जिससे मैं एक के बाद एक टाइपिंग करते रहता, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम बचता। एक सेकेंड रुको, कि कॉपर के पाँच ब्लॉक कैसे एक ही ब्लॉक से आ गए, शायद मॉड बनाने वाले ने बकचोदी कर दी थी। भाई कौन सा गांजा फूका था, पर कोई बात नहीं गाइस, हम अब क्या ही कर सकते हैं, जिसका काम उसी को साझे अलग करे तो गांठ बजे। तो चलो अपना सामान निकालते हैं, क्योंकि अब मैं स्टोन के अर्ली डेज नहीं, पूरा का पूरा घर ही बनाने वाला हूँ, क्योंकि मजदूरी करते करते मेरी उंगलियाँ थक गई हैं, मजदूरी तो हाथ से होती है ना। तो चलो अपना पहले सामान क्रिएट करते हैं। तो मेरे पास काफ़ी सारे प्लैंक्स पड़े हुए थे, तो मैंने प्लैंक्स निकाल लिए, और फिर दस वुडन दस सिक्सटी फोर कितने होते यार, तुम कमेंट में जाके बता देना यार, क्योंकि मेरे दिमाग वैसे ही हैंग कर रहा है इतना ज़्यादा। और फिर मैंने काफ़ी सारे मेहनत करके अपने सामान को स्टोर किया, फालतू का सामान स्टोर कर दिया। और मेरे पास प्लैंक थे, पता नहीं मैंने उसी क्यों रख दिया, कॉपर और आयरन और फिर खाना। और फिर अपना सामान बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इसके प्लैंक्स बनाए,
और ब्लैंक्स बनाने के बाद फिर और सारा सामान बनाने के बाद मैंने अपनी कुछ स्लैब्स बना दिए थे ताकि घर बनाने में ज़्यादा आसानी हो। और मुझे पक्का बता देता हूँ ये स्लैब्स कम पड़ने वाले हैं, तो मैंने सिंपली अपना दिमाग चलाया और स्लैब्स लगाना शुरू कर दिया। पर इसमें इतना टाइम लग रहा था कि कीबोर्ड भी हैंग होने लगा। 200 का और 700 में फ़र्क होता है गाइस। 700 कभी नहीं मैंने 200 का कीबोर्ड लिया, वो भी एक फिंगर वाला ताकि फ़ोन से कनेक्ट हो जाए। और मेरे पास माउस नाम की कोई चीज़ नहीं है तो सारा सामान कीबोर्ड से करना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पे करीब 10 ब्लॉक जितना दूर कर देता हूँ मैं इस चीज़ को। हाँ हो गया, उठ जा और फिर से क्राउच जा, तो मुझे दोबारा सामान नहीं खोना है। वैसे मैं खो भी नहीं सकता क्योंकि मैंने कीप इन्वेंट्री कर दी है। हाँ तो मैं सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि मैंने कीप इन्वेंट्री बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बता दूँ गाइस मैं बहुत ही दिमाग का दहिक इंसान, क्योंकि मुझे मेरा सामान जाने पर इतना दुख होता है कि मैं डिप्रेशन में 2 गोलियाँ खा लेता हूँ, तो संबंध में कितना प्लेड इंसान हूँ। और फिर मैंने वीडियो थोड़ी पॉज करके आइलैंड को थोड़ा ईले वाला दिया और तुम देख सकते हो मेरे स्लैब्स दोबारा क्राफ्ट के बाद भी ख़त्म ही हो गए थे। तो चलो अपना सामान अब यहाँ पर प्लेसिंग करना चालू करते हैं। और यहाँ पर करीब 4 ब्लॉक की हाइट, 5-6 ब्लॉक की हाइट मैंने कर दी है। और यहाँ पे अब वुड प्लैंक्स लेते हैं ताकि मेरा सामान अच्छे से बने। और यहाँ पे चलो बिल्डिंग करना चालू करते हैं। और काफ़ी मेहनत करने के बाद मेरे एरिया का थोड़ा सा ही एरिया बन गया है, फ्रंट एरिया तो बन ही गया है। तो चलो यहाँ पे थोड़ी स्टाइलिंग करते हैं, नहीं ऐसे नहीं लगना था यार। तो चलो इसे भी तोड़ लेते हैं और यहाँ क्राउच करके कोशिश करते हैं, तो फिर से ये बकलोली कर देता है तो मेरा दिमाग सटक जाता है। और अब थोड़ा सा अपना प्रो बिल्डर वाला दिमाग लगाते हैं और ये बन गया गाइस हमारा 1x1 का खिड़की। और मैं दोबारा गिर गया, पर फिक्र मत करो गाइस मेरा सामान नहीं जाने वाला क्योंकि मैंने कीप इन्वेंट्री पहले ही कर दी थी, जिससे सामान क्या मेरा कुछ नहीं गया। तुम समझते हो कि मैं पागल बैठा हूँ यहाँ पे? नहीं बिल्कुल नहीं। तो चलो गाइस मैं यहाँ से अब अपने एरिया का ब्लॉगिंग चालू करता हूँ। तो यहाँ पे अब मेरे पास काफ़ी कम ही स्लैब्स बचे थे, स्लैब्स क्या कह रहा हूँ, ब्लॉक्स बचे थे, तो मैंने सबकी एक के बाद एक बना दी और 7 छोड़ दिए ताकि, और मेरे पास एक स्टैक से भी ज़्यादा हो गया। तो मैंने कुछ कोशिश की और फिर यहाँ आते आते मैंने यहाँ पे थोड़े और बस और पता नहीं किस चीज़ ने मुझे एरो या क्या हिट किया कि मैं दोबारा ज़मीन चाटने वाइड में गिर गया, जिसके बाद फिर से मेरी कहानी वहीं ख़त्म हुई। तो उसे ठोकने के वास्ते मैं वापस से उस जगह जाने लगा, पर गाइस इतना बता दूँ मैंने इसे दोबारा टीपी करके बना दिया। अब मैं जब गया था तो वहाँ कोई भी स्केलेटन नहीं था, जिसकी वजह से मेरा फिर से पप्पू बन गया कि इस बंदे ने इस जगह को बनाया तो बनाया कैसे। पर गाइस बता देता हूँ कि आज के लिए बस इतना ही। और भाई ट्रेडर ने क्या ही बेच रहा है, बवासीर ही बेच रहा है। तो बाय बाय। और पता नहीं इसने क्यों थूका मेरे ऊपर, पर इसकी कीमत। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। वैसे मैं पहले भी ये चीज़ बोल चुका हूँ पर एक और बात बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कर दो प्लीज़।